नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने मंगलोर में अपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलोर के कुछ नेता मुझे मंगलोर की सेवा करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि उपचुनाव में अगर भाजपा हाईकमान उनको मौका देती है तो वह मंगलोर में विकास की गंगा बहा देंगे। मंगलोर से मेरा पुराना नाता रहा है, उन्हें उपचुनाव में मौका मिले या न मिले, लेकिन वह मंगलोर की जनता की सेवा करते रहेंगे। जब भी दुनिया से जाए तो फिर नहीं आना पड़ता है, तो हो सकता है मंगलोर का मुझे कर्ज कुछ चुकाना है और वो चुका के ही यहाँ से जाना है, तो इसलिए करने वाला तो अल्लाह है, परमात्मा है, कन्हैया है, मेरी मैया है, उनके बगैर। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं तो हमें आगे आके सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, और उनका जो वादे है उन्हें पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब हम सब इकट्ठे होके उस कार्य को करेंगे तभी उनका वादा पूरा होगा। कार्यालय का उद्घाटन था, कहना कि बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। अब मैं ये नहीं कह सकता नहीं ऐसा ना, मैंने वो उन्हें तो उद्घाटन रोका, चलो सरकारी संपत्ति थी, कोई बात नहीं, मैं तो गुड़ बटवा देता वहाँ, फिर कैसे रोक लेते उसमें जाने से मेरे को। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे जमा रहे हैं बजाय उखाड़ने के, वो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे विरोधी नहीं है वो। मैं अब जो है आपको वादा करता हूँ कि मैं एक छोटा मोटा झोपड़ा मंगलोर में ही बनाऊंगा। भाजपा के लोग ही नाराज हैं आपसे। देखो मैं आपको बताऊं, टिकट सबको चाहिए, कुछ को तो टिकट लड़ने के लिए चाहिए, किसी को हरवाने के लिए चाहिए, किसी को जितवाने के लिए चाहिए, तो उनका मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा समाज, ये 36 बिरादरी इस बात को समझती है कि भाई अच्छे का साथ देना है तभी कुछ दुखों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो दुख को भोगना पड़ेगा। भाजपा असल में इसलिए नहीं है इसमें अभी कि ये मैंने दफ्तर खोलने के लिए किया था, कि अभी वैसे भी आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए मैंने उनका भी फोटो नहीं लगाया था। मैंने ये भाजपा का एक दफ्तर खोला था, ना कि कोई फंक्शन किया था। अगर फंक्शन होता तो पहले तो मोदी जी का होता, फिर तो सारे ही नेताओं का होता, क्योंकि मेरी आदत है कि फिर छोटे से लेके बड़े तक का फोटो होता। 18 साल पहले भी मैंने ये कह दिया, अगर परमात्मा ही चाहता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम हो गया आपके प्यार को देख के कि वो चाहता है कि मंगलोर का विकास हो और सब इज्जत की जिंदगी जी सके जो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।